जिस परिवार से आते हो शर्मा जी, वो बहुत ही मतलब विचारधारा वाला, पीढ़ी वाला परिवार होगा। तो उसके आगे आप जब आपने प्रस्तुत किया मिर्जापुर जैसी चीज़, हमारा समाज आसानी से साला ही नहीं सुनना चाहता है, तो वो तो मिर्जापुर तो गोडाउन है, क्या रिएक्शन था क्या? आपकी उस टाइम पे आपकी क्या स्थिति थी 2017 के अंदर, जो आपका करियर वाइज इकोनॉमिकल, क्योंकि अब हर आदमी का मन होता है आगे बढ़ने का, उस वक्त आपकी क्या स्थिति? एक तो ये पूरी सीरीज़ का शूट कितने समय में हो जाता है, और दूसरा ये कि जब पिक्चर आती है बड़े पर्दे वाली, तो उसका अंदाज़ा तो क्या है, वो पहले दिन के बॉक्स ऑफिस से लग जाता है। OTT जिस तरीके से ग्रो कर रहा है आज की डेट में, लोग मूवीज़ और इन सब से हट चुके हैं, आप क्या देख रहे हैं, भविष्य किस तरीके का देख रहे हैं? क्यों आइए आपकी मुलाकात आज करा रहे हैं मिर्जापुर फेम अंजुम शर्मा से। शरद शुक्ला के रूप में आपने इनको बहुत देखा है, आज अंजुम शर्मा से मिल लीजिए। सब एक ऐसा रोल आपको देख के, मैं काफ़ी देर से आपको देख रहा हूँ और देख के मुझे यकीन नहीं हो रहा है वही आदमी है क्या। क्यों नहीं हो रहा है ये आप बताओ कि मैं यकीन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल वही इंसान हूँ, और हाँ किरदार अलग है। इतने सौम्य, इतने शालीन, इतने धैर्यवान, खैर ये सब आप उसमें भी दिखाई दिए हो, पर बड़े कुटिल हो आप वहाँ। हाँ, वहाँ पे थोड़ी बात अलग है, थोड़ा सुर अलग है वहाँ पे, लेकिन वही मज़ा है एक्चुअली जीवन का, कि आप बतौर एक्टर एक अलग अलग किरदारों को, अलग अलग जीवनी को, अलग अलग जीवन को आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। आपके पास मौका है कि आप ना सिर्फ किसी दूसरे इंसान के बारे में सोच सकते हैं, बल्कि आप उसको थोड़ी देर के लिए एक सीमित दायरे में जी भी सकते हैं। तो यही मतलब मज़ेदार चीज़ लगती है, और मिर्ज़ापुर में भी एक मौका मिला, और बहुत ही एक अच्छा, एक सटीक मौका था, जहाँ पे आप एक किरदार को कम 3 सीज़न में आपने उसको, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ता रहा उसका आकार, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी। क्योंकि और मुझे लगता है कि ये वाहिद इकलौता किरदार था मिर्ज़ापुर की दुनिया में जो धीरे धीरे बढ़ा है। बाकी सारे दूसरे जितने भी किरदार थे जो मुख्य भूमिका में थे, वो ऑलरेडी एक तरह से इस्टेब्लिश हो चुके थे कहानी में और लोगों के जहन में, ऑडियंस में, लेकिन ये किरदार धीरे धीरे बढ़ा एकदम अपने इंट्रोडक्शन से लेके, फिर थोड़ा एक लेयर उसकी हमने देखी सीज़न 2 में, कि वो एक स्ट्रैटेजी करने वाला, एक थोड़ा बैकफुट पर रहने वाला इंसान है जो सोच समझ के चलता है, और सीज़न 3 तक आते आते एक ऐसा इंसान, एक ऐसा लेयर परत उसमें ऐड हो गई कि आपने उसे एक नायक के रूप में देखना शुरू किया, उसमें इमोशनल लेयर जुड़ गई और दूसरे कई पहलू जो पहले नहीं थे वो जुड़ते चले गए और उसका आकार बढ़ता चला गया। मिर्ज़ापुर अब एक चर्चा करने वाला बात हो गई, शुरुआत की होगी, आपके पास ऑफ़र आया होगा तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा सफ़र तय करेगी मिर्ज़ापुर। जब भी मिर्ज़ापुर की स्क्रिप्ट आपके पास आई, आपने आपको ऑफ़र किया गया एक रोल, आपका मुझे जो बैठने का, बात करने का तरीका है, वो देख के लगता है कि आपका जो परिवार है, आप जिस परिवार से आते हो शर्मा जी, वो बहुत ही मतलब विचारधारा वाला, पीढ़ी वाला परिवार होगा। तो उसके आगे आप जब आपने प्रस्तुत किया मिर्जापुर जैसी चीज़, हमारा समाज आसानी से साला ही नहीं सुनना चाहता है, तो वो तो मिर्जापुर तो गोडाउन है, क्या रिएक्शन था, क्या क्या मतलब फेस करना पड़ा? नहीं, मतलब उस चीज़ में मैं अपने घर से बहुत ज़्यादा मैं लकी रहा हूँ कि मुझे हमेशा प्रोत्साहन ही मिला है, क्योंकि हाँ हो सकता है कि वो उसमें कुछ ऐसी लेयर्स हैं हों जो आप कर रहे हों, जिससे कि आपका परिवार या आपका परिवार का कोई सदस्य उतना ज़्यादा उसे पसंद ना करे, लेकिन उनमें इतनी मैच्योरिटी और इतनी ज़्यादा एक वो है कि वो उसको समझते हैं कि वो उसकी एक लेयर है जिससे शायद हम रिलेट ना करें, लेकिन वो समाज का सच भी है, और कहीं ना कहीं उस चीज़ की एक समझ है कि हाँ आपके परिवार का एक हिस्सा, आपके परिवार का एक सदस्य बतौर एक्टर, एज अ क्रिएटिव पर्सन, उसका हिस्सा है, उसको उसकी छवि को वो परफॉर्म कर रहा है, बना रहा है और प्रस्तुत कर रहा है ऑडियंस के सामने, तो वो एक मैच्योरिटी एक रियलाइजेशन है। तो मुझे उस चीज़ को लेके कभी उतना ज़्यादा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। और ये तो हो गई परिवार की बात, खुद की बात, आप एक ऐसा फैसला लेने जा रहे थे जो कल क्या होगा इसका पता नहीं था, तो ये फैसला लेते वक्त मन के अंदर क्या था, मिर्ज़ापुर साइन करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं? मन के अंदर यही था हमेशा से कि कोशिश यही रहती थी कि किसी अच्छी कहानी का हिस्सा बने,
ऑब्वियसली आप ये चाहते हैं कि आपकी भूमिका मतलब मुख्य भूमिका में हो आप, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अच्छी कहानी से जुड़ें, क्योंकि उसी तरीके का जीवन देखा बचपन से कि जो जो फिल्में आपको याद हैं, जो जो कहानियाँ आपको याद हैं, उसमें आपको सारे किरदार याद हैं। तो उससे ये शायद कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गया था कि यार अगर कहानी अच्छी होती है, फिल्म अच्छी होती है, तो उसमें आपको सब याद रहते हैं। और एक्टर्स के लिए भी एक बहुत सही प्लेटफॉर्म तैयार होता है अपनी चीज़ को दिखाने का। तो वही था, जब मिर्ज़ापुर आया तो पता चला कि ऐसा एक शो बन रहा है और OTT नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस ही हो रहा था, तो बहुत कुछ ज़्यादा रेफरेंसेस भी नहीं थे, लेकिन समझ में आया, सुनने में आया कि एक अच्छा शो बन रहा है जिसकी कहानी और जिसकी लेखनी बहुत अच्छी है। और फिर पता चला कि उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आपके दोस्त भी हैं और वो बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं, वो भी उसका हिस्सा अब हो चुके हैं। तो कोशिश थी कि आप भी उसमें किसी तरीके से अपनी जगह बनाएं, लेकिन उस समय वो जगह बन नहीं पा रही थी किसी खास अच्छे कैरेक्टर में। लेकिन फिर ये हुआ कि हमने सोचा चलो ठीक है, ये गया अवसर हाथ से। फिर कुछ समय बाद जब शूट से ठीक 15-20 दिन पहले उन्होंने कहा, वहाँ से कॉल आया कि भाई एक किरदार है जिसमें हम आपको देखते हैं, लेकिन वो एक या दो ही सीन होंगे इस सीज़न में, और अगर ये कहानी आगे बढ़ी, शो आगे बढ़ा, तो फिर ये कैरेक्टर मुमकिन है आगे बढ़ सकता है। लेकिन तो बात है 2017 की, ये लॉन्ग फॉर्मेट ही इतना नया था, तो कुछ इसके बारे में पता नहीं था कि आगे क्या होगा इसका। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कहानी अच्छी लगी और वो सीन जो पड़ा वो बहुत अच्छा लगा, तो हमने कहा करके भूल जाएंगे। ठीक है, आपकी उस टाइम पे आपकी क्या स्थिति थी 2017 के अंदर, जो आपका करियर वाइज, इकोनॉमिकल, क्योंकि अब हर आदमी का मन होता है आगे बढ़ने का, उस वक्त आपकी क्या स्थिति? स्थिति मेरी उस समय यही थी कि कुछ चीज़ें, मतलब मैं चीज़ों को करने और कुछ चीज़ें वर्क कर रही हैं नहीं कर रही हैं के दौर में था, कि एक आप कर तो रहे हैं क्योंकि आप लगातार थिएटर्स में कर ही रहा था पहले से, उसके बाद कुछ एक आध फिल्में भी की, और उसके करने की वजह से आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि आपने जिन लोगों के साथ काम किया वो दिग्गज हैं इंडस्ट्री के, तो आपको एक एक्सपोजर मिला। तो आप अपना काम जानते हैं, ये पड़ाव तो आप पार कर रहे थे कि आपका अपने काम पे, अपने क्राफ्ट पे एक होल्ड है, और आप समझते हैं कि हाँ एक तरह का एक दायरे में तो आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप बस जितना आप ग्रो कर सकते हैं वो तो आप करेंगे। ठीक है, 2017 में आपने हाँ कर दी। हाँ, फिर 2017 में हमने, और फिर कुछ चीज़ें हो रही थी, कुछ चीज़ें नहीं हो रही थी, मैं थिएटर भी दोबारा करने लगा था फिर, और फिर ये चीज़ आई, और मतलब फिर ये इसको एकदम ही मैं कहूँगा कि एक नए पन्ने की तरह, एक नए पेज की तरह मैंने देखा कि जो पहले क्या उसे भूल जाइए, इसमें भले ही पूरे शो में एक सीन है, लेकिन कोई बात नहीं, ये कहानी अच्छी है, और कहानी अच्छी अगर हो तो एक सीन कब 100 बन जाए आपको पता नहीं। तो वैसे ही हुआ भी, मतलब पूरा का पूरे सीरीज हो गई। हाँ, तो वो एक आई थिंक लक की बात। शर्मा जी, आपने साइन कर दिया, शूट हो गया, अब दो सवाल हैं इसके अंदर निकल के आते हैं। एक तो ये पूरी सीरीज़ का शूट कितने समय में हो जाता है, और दूसरा ये कि जब पिक्चर आती है बड़े पर्दे वाली, तो उसका अंदाज़ा तो क्या है, वो पहले दिन के बॉक्स ऑफिस से लग जाता है, OTT का अंदाज़ा कैसे लगता है और धड़कनें कैसी चलती हैं? दूसरा सवाल क्या था आपका? एक तो ये, पहला तो ये है कि आपका जो आपने साइन कर दिया, उसके बाद में कितने दिन में पूरी शूटिंग, कितने दिन में? हाँ, तो एक सीरीज़ की अमूमन मेरा ख्याल है, कम से कम डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा और शो लॉजिस्टिकली कहाँ कहाँ आप जा रहे हो शूट करने, लेकिन 3 से 5 महीने में पूरा सीरीज फ्री हो जाता है। हाँ, तीन कम से कम, अगर आपका सारा शेड्यूल एकदम बैक टू बैक आपने सब ख़त्म करते चले गए, तो हो सकता है 3 महीने में 3.5 महीने में ख़त्म हो जाए, और कभी डेट्स की ऊपर नीचे चीज़ें हैं, तो 4 से 5 महीने में तोड़ तोड़ के वो चीज़ें ख़त्म हो जाती। तो अब आप ये पहला सीरीज़ करके फ्री हो चुके हो, इंतज़ार है रिजल्ट का। हाँ, तो अब पहला सीज़न तो जब किया था तो उसका तो रिज़ल्ट का भी इंतज़ार नहीं था, क्योंकि वो तो आप करके भूल गए, क्योंकि तब तो किसी को भी नहीं ज़्यादा पता था। वो तो जब पहला सीज़न रिलीज़ हुआ और वो इतना बड़ा हो गया, और उसके अंत में कहानी तो ख़त्म हुई जहाँ पे वो ख़त्म होती है, उसके बाद एक सीन आया जिसमें, जो कि बेसिकली हमको बता रहा था कि अगला सीज़न क्या हो सकता है, तो उसमें जब उन्होंने इस किरदार को प्रॉमिस कर दिया कहानी ने, तो वहाँ से एक एंटिसिपेशन हो गया कि अगली बार कहानी में कुछ और होना हो ये तो होगा, तो वहाँ से वो चीज़ शुरू हुई। और लेकिन हाँ, तो तब से फिर ये होने लगा कि फिर आप जब राइटिंग हो रही है तो उस कॉन्वर्सेशन का आप हिस्सा हो, आपको पता चल रहा है कि आपका किरदार किस तरह से बढ़ रहा है, तो फिर आपका वो एक चेंज ओवर जो था, वो 1 और 2, जब 2 का शूट शुरू हुआ
तो वो एक चेंजओवर वहाँ पे हो चुका था। पहले सीजन की सफलता का फ़ोन आया, किसी दोस्त ने बोला, कोई मैसेज आया, आप तो भूल चुके कर करा के, किसने बोला जो आपको आभास हुआ कि हाँ यार कुछ किया तो था? नहीं, वो तो खैर सीज़न वन में तो बड़ी अजीब बात होती थी कि सीज़न वन में आपने तो एक ही सीन किया है, अब सीज़न वन तो बहुत बड़ा हो चुका है, अब वो आपसे तो मिल रहे हैं लोग और आपसे थोड़ी ये बात कर रहे हैं कि अरे यार कितना बढ़िया सीज़न था और ये वो, और लग रहा है कि अगली बार तो तुम ही रहोगे क्योंकि एंड में तुमने वो सीन जो उन्होंने दिया, तो आपको लगता था यार बात कर रहे हो आप शो की, बातें हो रही हैं दूसरे किरदारों की, लेकिन आपके बारे में वो एंड में ये ज़रूर बोलते हैं कि भाई लेकिन अगली बार तो ये, तो आपको लगता है कि इस ये क्या है, अप्रिसिएशन है किसको कैसे लूँ, तो वो था। लेकिन हाँ, सीज़न टू के बाद फिर एक अलग लेवल पे आपका एक अप्रिसिएशन, एक पहचान, एक लोगों का हल्के लेवल पे जुड़ाव शुरू हो गया, और फिर थ्री पे उसने एक अलग रूप लिया क्योंकि थ्री में वो एक अलग ही, मतलब लोग एक तरीके से उस नायक के तौर पे उस कैरेक्टर से जुड़ गए। OTT जिस तरीके से ग्रो कर रहा है आज की डेट में, लोग मूवीज़ और इन सब से हट चुके हैं, आप क्या देख रहे हैं, भविष्य किस तरीके का देख रहे हैं? क्योंकि पहले सुपरस्टार बनने में जीवन लग जाता था, आज OTT फटाफट नए सुपरस्टार्स दे रहा है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि OTT है, शोज़ बन रहे हैं, लेकिन फिल्में भी हैं, वो चल रही हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अभी इस समय दोनों ही उसमें ये चीज़ें हैं कि कुछ शोज़ हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और चल रहे हैं, कुछ शोज़ ऐसे भी हैं जो उतने ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आए, फिल्मों के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ओवरऑल फिल्में अच्छी होंगी और चलेंगी, फिल्मों का अच्छा होना और फिर चलना ज़रूरी है, और शोज़ का भी, क्योंकि जब कलेक्टिव एनर्जी एक ऐसी होगी कि जहाँ पे कंटेंट बन रहा है, चल रहा है और फिर ऑडियंस को पसंद आ रहा है और वो भी चीज़ भी चल रही है, जो भी होगा, तो फिर क्या होता है जब वो चक्का ऐसे घूमता है ना, तो उसका असर हर चीज़ पे होता है। ऑडियंस को लगातार चीज़ें मिलेंगी, वरना आप ये देखेंगे कि भैया एक लंबे अंतराल के बीच में कुछ देखने लायक ही नहीं होगा। तो इसीलिए और ये ज़रूरी है कि वो चीज़ आए, लोगों को पसंद आए, लोग उसको एक्साइटेडली देखें, उसको अप्रिशिएट करें, फिर और चीज़ें बनेंगी, फिर तो वो चक्के अच्छी तरह घूमने के लिए कहानियाँ भी ज़रूरी हैं, शोज़ भी ज़रूरी हैं, फिल्में भी ज़रूरी हैं और ऑडियंस भी ज़रूरी है। एक बड़ा सवाल है साहब, लोग बड़ा मन से पूछते हैं इस सवाल को और मैं खुद भी पूछ रहा हूँ, जब आप मिर्ज़ापुर एक बना चुके, आपको पता लग गया सफल हो गई, मिर्ज़ा टू की शूटिंग कर रहे, तो 2, 3, 4 एक साथ क्यों नहीं बना देते हो, लोगों को इतना लंबा इंतजार? देखिए, ये वैसी बात है कि आप गूगल उठा के देखो सर, टॉप सर्च के अंदर मिल जाएगा। करेक्ट करेक्ट। अभी ये वैसी बात है कि अब हम आपको बोलेंगे कि देखिए आज आपने हमसे बात की, अब कल आप किसी और से बात करेंगे, फिर परसों आप किसी और से बात कर रहे हैं, तो ये आप सारी बातें एक साथ क्यों नहीं कर लेते? वो इसलिए है कि आपका किसी इंसान से बात करना, इंटरव्यू लेना डिपेंड करता है कि इस समय स्थिति क्या है, वो चीज़ कितनी एक्साइट कर रही है, लोग कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, कंटेंट कैसे इवॉल्व हो रहा है। तो मिर्ज़ापुर के साथ भी यही है और किसी भी शोज़ के साथ ये है कि चीज़ बनती है और फिर आप उसे देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट कैसा रहा, फिर उसके हिसाब से दोबारा कहानी आगे बढ़ती है, फिर होती है सारी चीज़ें, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये मतलब तीन लोगों ने सोचा एक कहानी चार पेज पे लिख दी, थिएटर नहीं है कि आपने 8-10 लोगों के बीच में आपने कहानी पकड़ी और आपने उसको बना दिया और फिर आपने वहाँ पर उसके शो कर दिए। इसमें इतनी सारी वो लॉजिस्टिकली भी होना चाहिए, उसमें फंडिंग, वो एक कमर्शियल वो चीज़ है, उसमें लोगों की अवेलेबिलिटी, कैरेक्टर क्या होगा, कि आपकी कहानी बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं जाती है, कंट्रोल स्पेस में चलती है, तो आपके किरदार भी जो चेंज होगा आपके किरदारों में और कहानियों में, वो बहुत ड्रास्टिक नहीं होगा, वो यहाँ से यहीं जाएंगे, तो आपको पता है कि कहाँ जाओगे आप 2 सीज़न में, तो आप उसको एक साथ प्लान कर सकते हो, किया जा सकता है, मतलब भविष्य में लोगों को सुविधा मिल जाएगी। अभी भी ऐसा होता है कई बार सर हुआ है। बड़ी मूवीज़ की बात करते हैं, बड़ी पिक्चरों में क्या होता है, एक पिक्चर सक्सेसफुल हो जाती है तो अगली बार क्या होता है, जब वो मूवी आती है तो नाम तो उसका वही रह जाता है पर चेहरा बदल जाता है। OTT में अभी तक हमने ये देखा नहीं है, OTT में सेम कैरेक्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो झलक भी महसूस होती है, चेहरा बोलता है 2-3 साल बाद, आदमी उम्र नज़र आती है। OTT में क्या लगता है आपको, इस तरीके की कोई एक्टिविटी आपको लग रहा है निकट भविष्य में? किस तरह से मैं समझा? पिक्चर के अंदर एक पिक्चर चल गई, दूसरी पिक्चर आई, उसमें
एक्टर बदल गया, लीड रोल चेंज कर दिया, कोई बड़ा 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 एक्टर आ गया, अपन नाम लेंगे हम वो कॉपीराइट के अंदर आ जाएंगे। पर आप देखो, हाँ, OTT में नहीं है अभी, अभी तक नहीं है। क्या भविष्य में इस तरीके की चीज़ें भी OTT के अंदर हो सकती हैं, या OTT में जो एक्टर काम कर रहे हैं वो लोग उनको पसंद कर रहे हैं इसीलिए वही बने रहेंगे, किस तरीके से? मतलब ये देखिए, वो एक इवॉल्विंग चीज़ है, इसका कोई भी दायरा अभी सीमित करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ मतलब हाँ, आप एक सीज़न से दूसरे सीज़न में जा रहे हैं तो किरदार वही रहना चाहिए। अब कोई ऐसी कोई सिचुएशन है कि नहीं वो एक्टर दोबारा कर सक रहा है? OTT में थोपा नहीं जा सकता? हाँ, थोपा तो कहीं भी नहीं जा सकता। थोपा सिनेमा में थोपा जा सकता है, अभी मजबूरी जाती थी कि एक ही पिक्चर देखने जाना ही है। OTT में आप काम कर रहे हो, आप निकल के आए हो उसके अंदर से, तो आपको लगता है ऑडियंस जिस तरीके की उस पर थोप सकते हैं क्या कुछ? ऑडियंस के ऊपर आप कुछ भी नहीं थोप सकते, क्योंकि ऑडियंस को आप देखिए, ऑडियंस आज की जो ऑडियंस है ना, आज की ऑडियंस आप और मैं भी हैं, तो आज की ऑडियंस बहुत एक्सपोज्ड है, उनको पता है, और वो इतनी डाइवर्स्ड है कि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो इतने मुख्तलिफ हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं, वो क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो इतने ज़्यादा अलग अलग तरीके से हैं, तो ऑडियंस बहुत, उनको पता है, वो बहुत समझदार हैं। कोई चीज़ उनको नहीं पसंद आएगी तो वो नहीं, उसको तुरंत नकार भी देंगे, और कोई चीज़ अगर उनको पसंद आएगी, मतलब आप उनके चेहरे के सामने ले जाइए कोई चीज़, लेकिन अगर उनको नहीं पसंद आई तो उसको वो हटा देंगे, और अगर कोई चीज़ वहाँ पे छिपी भी होगी और अगर उनको पसंद होगी तो वो ढूंढ लेंगे। और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स अभी भी हमारे पास हैं कि भाई आप कोई चीज़ उनको पसंद आई, लेकिन हाँ, आज अभी हो ये रहा है कि ऑडियंस क्योंकि इतनी डाइवर्स हो चुकी है, क्योंकि वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है अलग अलग चीज़ें, तो उसका फ्लिप साइड ये भी है कि ये भांप पाना मुश्किल है कि फार्मूला क्या है, कि इसी तरीके की चीज़ें बनाएंगे तो वो करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। वो हो सकता है ये चीज़ पसंद आई, लेकिन हो सकता है अब अगली बार कुछ अलग तरीके की चीज़ पसंद आएगी, ये सेम चीज़ होगी तो थोड़ी देर में वो बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है आर्ट को लेके इस समय चीज़ें इतनी ज़्यादा इवोल्यूशन से गुजर रही हैं कि आपको वो क्लासिक उसमें जाना पड़ेगा कि कहानी अच्छी, कहानी यूनिक, परफॉर्मेंसेस, ये जितने भी आर्ट के जो टिक बॉक्सेस होते हैं ना, उन सबको नहीं तो कम से कम मैक्सिमम को आप अगर टिक करते चलेंगे तो मुमकिन है कि शायद आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो ऑडियंस को पसंद आए। आसान शब्दों में कहें तो दुल्हन वही जो पिया मन भाई। हाँ, ये तो ऑडियंस, देखिए वो ऑडियंस बहुत बड़ा एक सर्कल है, जो ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है उस पूरे सर्कल में। जैसे कि मैंने, हम लोग अभी बात भी कर रहे थे कि हम जो बना दें, अगर वो चल रहा है, अगर वो पसंद आपको पसंद आ रहा है तो भी ऑडियंस को क्रेडिट जा रहा है, और अगर आप कह रहे हो कि जो आपने बनाया इसमें ये चीज़ ऐसी क्यों थी और वो थी, लेकिन अगर वो पसंद आ रहा है तो फिर आप सवाल बनाने वाले से मत करिए, आप फिर सवाल उससे करिए जो उसको पसंद कर रहा है। ठीक बात है। आखिरी सवाल, कहाँ कहाँ और देखने जा रहे हैं? मुझे अभी तो देखिए दो तीन चीज़ें हैं, एक शो है जो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ उसमें, वो मैं करूँगा, और एक फिल्म और है, तो अभी वही चीज़ें चल रही हैं। उसके अलावा चल रहा है काफ़ी चीज़ें और भी हैं, कुछ ब्रांड्स हैं वो सब काम कर रहे हैं, तो अलग अलग दिशाओं में काम चल रहे हैं, जल्द देखेंगे आप कुछ और, बहुत सारी जगह जल्दी देख पाएंगे आप, ये कहना है आपके अपने शरद शुक्ला जी का। जुड़े रहिए हमारे साथ अमर उजाला के लिए जयपुर से, मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।